दीपावली को लेकर पटाखा मंडी पूरी तरह से सज चुकी है। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी ग्राहकों की भीड़ मंडी में उमड़ रही है। पटाखा मंडी की सुरक्षा का जायजा लेने मंगलवार को अग्निशमन विभाग की टीम छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी पहुंची। वहीं टीम के पहुंचते ही दुकानदार और ग्राहकों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम ने सभी दुकानदारों के अग्निशमन यंत्र की जांच की। पटाखा दुकानदारों के ग्रीन पटाखे समेत कागजात की जांच की गई। लाइसेंस और गैर लाइसेंसी वाले दुकानदारों को चिन्हित किया गया। सभी दुकानदारों को अग्निशमन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो दुकान के बाहर बाल्टी में पानी बालू अवश्य रखें। इस अवसर पर फायर एसोसिएशन पदाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी तैयारी के साथ पटाखा बेचें। विभागीय आदेश के अनुसार हम लोग पटाखा दुकान का फायर ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दरमियान पाया जा रहा है कि लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी दोनों ही छाता बाजार चौक मुजफ्फरपुर में यहाँ पर कार्यरत है और इन लोग अभी तक हमारे यहाँ से अभी तक नहीं लिए हैं और ऑडिट हम लोग लगातार कर रहे हैं और एसडीओ साहब का भी निर्देश है और डीएम साहब का भी कि इन लोग को जल्द से जल्द इन लोग को कार्रवाई कीजिए। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जहाँ तक हो बालू पानी फायर एसडीओ को इन लोग को रखने के लिए निर्देश दे रहे हैं और अभी फिलहाल अब दीपावली नजदीक आ रहा है तो मुजफ्फरपुर वासियों को सारी जगह की ओर से मैंने मुजफ्फरपुर की ओर से खुशी का त्यौहार है सभी कोई मैंने कि खुशी मनावे लेकिन पटाखा है बहुत संवेदनशील है इसको मैंने कि खुला स्थान में बच्चे तक छोड़े गार्जियन की उपस्थिति में और गार्जियन जो है और सब सूती कपड़ा का ही प्रयोग करे इस समय और जहाँ पटाखा छोड़े वहाँ दो बाल्टी पानी अवश्य रखें। आसमानी पटाखा नहीं छोड़े मेरे तरफ से कि इससे दूसरे घर में आग लगने की संभावना हो जाता है। ग्रीन पटाखा मैंने ही छोड़ने के लिए हुआ है ग्रीन पटाखा ही मैंने उस पर कार्रवाई भी हो रहा है कि कौन अति है नहीं है यह सब और सभी दुकान जो है लाइसेंसी गैर लाइसेंसी इसमें अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि किसके पास एक्सपीजेसर है बालू है पानी है नहीं है तो करने का हम लोग निर्देश दे रहे हैं। सर ये तो लापरवाही है ये रिन्यू नहीं करा क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? लापरवाही तो उसी के लिए तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं है ना उसी के लिए तो कर रहे हैं इन लोगों को रखने के लिए तो कहिए रहे हैं इंस्पेक्शन करिए रहे हैं उसी के लिए जो नहीं लिया क्या कुछ कार्रवाई? हाँ उस पर तो कार्रवाई होगा उस पर तो अग्निशमन नियम वाली धारा लगेगा। अभी तक कितनी दुकानों को कर दिया गया? अभी मैंने कि करीब करीब 13-14 कर दिए। कितने दुकान उसमें नहीं रिन्यू करवाए लाइसेंस? अभी तो नहीं कराए हैं अभी मात्र दो गो कराए हैं और फिर अभी प्रक्रिया में हैं अभी दो गो मेरे पास अभी आए हैं दो गो के हुआ है और किसी का अभी नहीं हुआ है।